Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel. मैं आज आप लोगों के सामने शाही टुकड़ा रेसिपी की तरकीब बताने के लिए जा रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर 7 ब्रेड स्लाइसेस ली हूँ, 50 ग्राम ऑफ खोया ली हूँ, 1/2 कप ऑफ शुगर ली हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सैफरन भी रखा हुआ है, जिसे मैं बाद में दूध में थोड़ी देर के लिए भिगो लूंगी। और यहाँ पर बादाम की गिरी को ग्रेटेड कर ली हूँ। पिस्टाशियोस आप देख सकते हैं 10 से 15 पिस्टाशियोस ली हूँ। 1/2 लीटर ऑफ मिल्क ली हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैं 1/2 ग्लास पानी लूंगी और इसमें मैं 1/2 कप जो शुगर ली हूँ वो ऐड करूंगी। जब तक ये चाशनी एक तार की नहीं बन जाती तब तक हम अपने ब्रेड्स को स्लाइसेस में काट लेंगे। अब हम इसके साइड्स को काट लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने इसके चारों साइड्स को अच्छी तरह से काट लिए हैं। अब हम इस खोए में थोड़ा दूध डाल देंगे ताकि खोया पिघल जाए। देखिए गाइस, मैंने सैफरन को दूध में भीगने के लिए डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं हमारी चाशनी अच्छी तरह से गाढ़ी हो गई है, इसमें एक तार भी आ चुका है। अब हम इसमें खोया, दूध, अच्छी तरह से इसमें चम्मच चला लेंगे। अब इसको थोड़ा गाढ़ा होने तक पकने के लिए छोड़ेंगे। इस दूध को हम इतना पकाएंगे कि ये दूध जब तक आधा हो जाए तब तक इस दूध को हम अच्छी तरह पकाते रहेंगे। दूध अच्छा गाढ़ा हो रहा है। अब मैं इस मौके पर बादाम ऐड कर रही हूँ। इस आप देख सकते हैं सैफरन ने अपना रंग दूध में छोड़ दिया है। अब इस दूध को हम यहाँ पर डाल देंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा दूध ये जो है पककर गाढ़ा हो चुका है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं और ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं उनको ट्रायंगल में काट कर तल लेंगे। बस जरा सा तेल डालकर सेक लूंगी, डीप फ्राई नहीं करूंगी। देखिए चंद टुकड़े मैंने ट्रायंगल शेप में काटे हैं, चंद टुकड़े मैंने स्क्वायर शेप में काट लिए हैं। मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल ली हूँ। अब मैं इन टुकड़ों को सेक लूंगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे टुकड़े कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूंगी। इसी तरह से बचे हुए टुकड़े भी फ्राई कर लूंगी, सेक लूंगी। देखिए दोस्तों, ब्रेड के टुकड़े सारे के सारे फ्राई होकर तैयार मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं दूध कितना गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें ब्रेड के स्लाइसेस ऐड कर देंगे। देखिए सारे डिप हो जाए, इस बात का ख्याल रखें। दूध भी पकना स्टार्ट हो गया है। देखिए ज्यादा देर तक नहीं पकाना है,
कितना पका लें, ये दूध इन फ्राइड स्लाइस ब्रेड के स्लाइसेस में मिल जाएगा। बस इतना ही बनाना है, पकाना है। दोस्तों देखिए हमारा डबल का मीठा बनकर अब तैयार है। इसे ऐसे ही ना खाएं, इसे फ्रिज में रखें, थोड़ा ठंडा होने के बाद इसका मजा लें। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।